जीत फिक्स। एक ऐसी गलती जो वो स्टूडेंट जरूर करते हैं जो बोलते हैं कि यार 20 घंटे पढ़ाई करी फिर भी मार्क्स कम आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में, एक ऐसी गंदी आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर स्टूडेंट्स ने वक्त रहते नहीं सुधारा तो चाहे भैया 24 घंटे पढ़ाई कर लो, 365 दिन पढ़ाई कर लो, उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आने वाले। बैग खोला, किताब उठाई और सामने रखी, पढ़ाई चालू हो गई। 5 मिनट टेबल सेट करने में लग गए और 6 मिनट में ख्याल आया कि यार एक बार चेक कर लूं, उसका मैसेज तो नहीं आया कहीं। उसका मैसेज नहीं मिला, फिर अगला ख्याल आया यार क्या कर रही होगी वो या क्या कर रहा होगा वो। पढ़ने से पहले एकदम डिसाइड करके बैठे थे कि आज इतने चैप्टर पूरे कर दूंगा, सब कुछ सेट था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई शुरू करने से पहले तक। जैसे ही पढ़ाई शुरू करी सपने देखना चालू कर दिए। अच्छा अगले हफ्ते जो बुआ के यहां शादी है ना, उसमें यार शेरवानी पहनूंगी कुछ और। यार एक बार एग्जाम हो जाएगी ना तो फिर छुट्टियों में ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि कॉलेज में जाते ही लड़कियां फैन हो जाएगी। मैं ये सब चीजें सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बता रहा, लड़के हो या लड़कियां, दोनों के ही मन में इसी तरह के बहुत सारे विचार उस वक्त आते रहते हैं जिस वक्त वो पढ़ाई करते हैं। यार जॉब लगेगी तो वो वाली बाइक लूंगा, आईफोन लूंगा, कार लूंगा, फिटनेस मेंटेन रखूंगा, उसको डेट पे ले जाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा, ब्लूटूथ वाला अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदूंगा, यूट्यूब चालू करूंगा। किताब खोलकर हाथ में हाथ धर के कोरे सपने देखना, सपनों की दुनिया में खो जाना, इमोशंस में बह जाना, किसी के सपने देखना, सपने सपने सपने, यानी कि दिमाग एक जगह पर नहीं रहता। प्लानिंग भी सही रहती है, स्टडी मटेरियल की तो कमी नहीं है, लेकिन दिमाग को फुर्सत नहीं है कि वो एक मिनट भी बिना किसी थर्ड पार्टी के सपने देखे फोकस करे अपनी पढ़ाई पर। मेरी बात समझ गए होंगे, जरूरत से ज्यादा ड्रीमिंग। भाई किताब का पेज 2 घंटे से वहीं पर खुला हुआ है, अरे पेज क्या, एक ही लाइन को 1000 बार पढ़ दी, घूम फिर करके उसी लाइन में सपने देख देख के लौटते रहते हो, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक चीज बताओ मेरे भाई, ये किताब कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है जो उसको खोल के उसकी रेंज में बैठ जाओ और आपका दिमाग अपने आप बुक्स का डेटा डाउनलोड करता रहेगा। मेरे भाई हर वक्त ख्यालों में खोए रहने की आदत से बाहर निकलो, ये मोबाइल, बाइक, ड्रेस, कार, ये सब मकसद नहीं है तुम्हारा पढ़ाई का। एक मकसद बनाओ अपना कि या तो मेरे पेरेंट्स ने गरीबी के जो दिन देखे हैं उन हालातों को मैं बदलूंगा, डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूंगा, आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करूंगा, प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज लेके एक तगड़ा वाला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। सिर्फ एक मकसद। जब पढ़ने बैठो ना तो दिमाग में ये आलतू फालतू के 1000 तरीके के कचरों से दिमाग को हटाकर एक बड़े रीजन पे फोकस होना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। यार किसी शादी में रेड की जगह येलो ड्रेस पहन के चले आओगे तो क्या आखिरी शादी है क्या वो, उसके बाद कोई शादी अटेंड नहीं होने वाली। मोबाइल पे उसने मैसेज नहीं किया तो क्या वेट करते रहोगे कि जब उसका मैसेज आएगा तभी पढ़ूंगा या तभी पढ़ूंगी। अगर आपका दिमाग भी इसी तरह से छोटे मोटे डेली वाले सपनों में खोया रहता है ना, तो अपने दिमाग को समझाओ कि भाई कि तू ये 2-4 दिन के सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, 2-4 दिन का हीरो बनने के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ की वाट क्यों लगा रहा है। ये आदत एकदम से नहीं छूटेगी, लेकिन जब डेली इस चीज को समझोगे कि तुम्हारा मकसद माँ बाप के पैसे पे मजे मारना नहीं है बल्कि खुद के पैसों से जरूरतमंदों की मदद करना है, तो अपने आप ये हवाई सपने देखने वाली आदत कम होती जाएगी। हर वक्त सोचो कि तुम हमेशा जिंदगी भर पढ़ाई तो नहीं करते रहोगे, तो फिर ऐसा क्या मकसद है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा वाला मकसद जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अगर तुम अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाए हो तो ये देखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, अपना एक अल्टीमेट मकसद जरूर सेट करो जो तुम्हें हमेशा अंदर से पुश करता रहेगा कि हर एक सेकंड फर्जी सपनों में वेस्ट मत कर, ध्यान दे सिर्फ उस पर, उस बड़े मकसद की तरफ। देखो भाई, टाइम वेस्ट करना बहुत ईजी है, सपने देखना उससे भी ज्यादा ईजी है, लेकिन सिर्फ सपनों में खोए रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उठो और अपना असली सफर आज से ही शुरू करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।